हेलो, दिस इज योर गैब्रियल। बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। यहाँ पे देखते तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है। यहाँ पे आपको आपको मैंने बोला था कि अगर गैप अप हो जाए और यहाँ से नीचे जाके फिर से अगर ये ब्रेक हो जाए तो यहाँ पे मार्केट के एंड में उसने ब्रेक किया था 3,9,600। तो यहाँ पे आपको बाय करना था और आपको यहाँ पे अगर देखते तो 250 पॉइंट का आपको रैली मिला होगा। ठीक है, ये होगा बैंक निफ्टी में। निफ्टी में हमें क्या हुआ है, निफ्टी में जैसे ही ये 60 के ऊपर बोला था मैंने, अगर गैप अप होता है और नीचे आके 60 के ऊपर, तो यहाँ पे बाय नहीं दिया है। आप देखते हो तो यहाँ पे बाय दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ होगा 30-40 पॉइंट्स का। तो हमारा निफ्टी में यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट है और बैंक निफ्टी में टारगेट हिट है, और टारगेट हमेशा हमारा बढ़ा रहता है। अंडरस्टूड? अभी देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। अभी मार्केट ने बनाया यहाँ पे कप। ठीक है, अभी कल देखना है क्या हो सकता है। कल अगर यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करके इस स्टॉक का अगर सपोर्ट लेके फिर से ये ब्रेक कर देता है तो ये होगा, तो हो जाएगा ये कप एंड हैंडल पैटर्न। तो जैसे ही ये ब्रेक हो जाए आप बाय कर सकते हो 17,210 के ऊपर, 17,210 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। ठीक है, नीचे आपको 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना होगा और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 30 पॉइंट। ठीक है, जो आपको मैं बोल देता हूँ कहाँ पे अराउंड होगा 260-270 के आसपास। ठीक है, मतलब अराउंड आपको 40-50 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट सीधा यहाँ पे जाएगा, दैट इज 17,300, 300 के आसपास। अभी देखते हैं मार्केट अगर सीधा गैप अप होता है। ठीक है, गैप अप होता है और इस लेवल को अगर सस्टेन करता है, देखो दिस वन ये मेजर रेजिस्टेंस है हमारा। ठीक है, ये वाले अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, एक 10-15 मिनट, तो आपको बाय करना है, फिर ये ऊपर वाला रैली आपको दे सकता है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा सस्टेन होता है इस लेवल पे और फिर से अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको बाय करना है। कौन से लेवल पे हमें बाय करना है, अराउंड 17,280 के ऊपर हमें करना है बाय, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन होने दो। ठीक है, अगर गैप अप होता है और यहाँ पे कैंडल जाके नीचे आ सकता है या फिर रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा रुकने दो और उसको थोड़ा रुकने दो और वहां पे फिर बाय कर सकते हो। अंडरस्टूड? तो गैप अप हुआ है, इस लेवल का सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तभी बाय करेंगे, अदरवाइज फ्लैट अगर ओपन होता है उसको थोड़ा यहाँ पे सस्टेन करने दो, और अगर ये कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेक होता है तो हम ऊपर बाय कर। Understood? Very good. लेकिन अगर गैप डाउन होता है, देखो गैप डाउन होता है, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा क्योंकि हमारा ये जो मेजर सपोर्ट है, दिस वन एंड दिस वन, तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट ले सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मार्केट कब बनाए, यहाँ पे इस लेवल का सपोर्ट लेके हैंडल बनाए और ये ब्रेक कर दे। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट हमें नीचे अच्छा मिल सकता है। अंडरस्टूड? तो शॉर्ट कट ट्रेड नहीं करेंगे। अगर गैप डाउन होता है थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करेंगे, थोड़ा सा रिस्क बढ़ेगा, शॉर्ट तभी करेंगे जब ये सारे लेवल ब्रेक हो। ठीक है, ये बहुत हेवी लेवल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको रिस्की ट्रेड करना है, अगर गैप डाउन होता है यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करके अगर ये ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो आप शॉर्ट कर सकते हो। मैंने आपको कल भी ये लेवल बोला था जो ब्रेक नहीं हुआ, मैंने आपको बोला था इसके लेवल के नीचे शॉर्ट करना है, कल भी नहीं गया, आज भी शायद नहीं जाना चाहिए, तो 17,010 के नीचे ही आपको शॉर्ट करना है। अंडरस्टूड? इस तरह पर ट्रेड करेंगे निफ्टी। और मैं आपको एक बोल देता हूँ, डेली कैंडल में देखते हैं उसको। अभी ये जो है, ठीक है, अभी इस लेवल का थोड़ा सा सपोर्ट लेके मार्केट उठा है, तो अभी क्या हो सकता है, एक बड़ा कैंडल यहाँ पे आ सकता है और यहाँ का सपोर्ट ले सकता है, फिर से ऊपर जा सकता है। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे चार्ट पे दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकडाउन देके इस लेवल का सपोर्ट ले फिर से उछल सकता है मार्केट, और क्या कर सकता है, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करके इस लेवल का फिर से रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 200 का मूविंग एवरेज। अंडरस्टूड? तो इस टाइप का कुछ ट्रेड हो सकता है इन निफ्टी। ठीक है, अगर ऊपर आता है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करेगा, और नीचे जाता है तो सीधा इस लेवल के आसपास फिर से सपोर्ट ले लेगा। अंडरस्टूड? वेरी गुड। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी। ये रहा हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है क्योंकि अभी ये इस लेवल के आसपास बंद हुआ है जो 200 का मूविंग एवरेज है, और ये डेली टाइम फ्रेम है, और ये जो हमारा सपोर्ट था अभी इस रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो ये रेजिस्टेंस के आसपास है। अभी यहाँ से अगर ऊपर निकलना है, ठीक है, तो इस लेवल के आसपास वो जा सकता है, अगर ऊपर जाता है तो इस लेवल के आसपास कहीं तो वो जा सकता है। अंडरस्टूड? अभी देखते हैं कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं। 15 मिनट में जाएंगे। ये रहा हमारा बैंक निफ्टी, देखो इसने भी यू बनाया, दैट इज
कप, ठीक है, तो इसका भी अगर कप एंड हैंडल बनता है ठीक है, तो हम बाय करेंगे। तो देखो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो ठीक है, नीचा है और इस लेवल का ठीक है, अगर सपोर्ट ले और फिर से ऊपर जाए और अगर ये ब्रेक करे तो आपको करना है बाय, दैट इज 3,990 के ऊपर। ठीक है, पहला टारगेट रहेगा 40,000, ठीक है, और जो हमारा मंथली क्लोजिंग भी है, जहां से एक बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके नीचे आया तब ये दोबारा जा रहा है, अगर दोबारा जा रहा है और डेली कैंडल में मैंने आपको दिखाया था कि जो 200 का मूविंग एवरेज है उसके ऊपर निकल जाएगा, अगर उसके ऊपर निकलता है तो एक रैली बड़ा बन सकता है, तो ये सीधा जाएगा 100 के आसपास, ठीक है, 100 या 200, 40, 100, 40, 200 के मतलब 200, 300 का रैली हमें मिल सकता है इन बैंक निफ्टी, अंडरस्टूड। लेकिन अगर गैप अप हो सीधा, अगर 40,000 के आसपास गैप हो, तो मैंने आपको बोला ये रेजिस्टेंस का काम करेगा फिर से, ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा रुको, आपको देखना होगा यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है ब्रेक होता है ठीक है, तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो जाए तो आपको शॉर्ट कर देना है, ठीक है, तो वो लेवल कौन सी मैं आपको बता देता हूँ, 683,9680 के नीचे आपको करना है शॉर्ट, अंडरस्टूड, 39,680 के नीचे शॉर्ट करना है, ऊपर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो, जो हमारा पहला टारगेट है वो रहेगा अराउंड 39,200 के आसपास, ठीक है, तो यहाँ पे एक लंबा रैली आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेजर सपोर्ट सीधा आपको इस लेवल के आसपास ही मिलने वाला है। लेकिन अगर गैप डाउन हो ठीक है, तो गैप डाउन पे थोड़ा रुकना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट बहुत मिलेंगे आपको जो ऐसे सपोर्ट काम करेंगे, तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, थोड़ा रुकेंगे, शॉर्ट तभी करेंगे जब यहाँ पे मार्केट थोड़ा सस्टेन करके ब्रेक डाउन दे इस लेवल के नीचे, ठीक है, तो ये लेवल है अराउंड 120 के नीचे, तो हम शॉर्ट करेंगे अराउंड 39,120 के नीचे। अभी ये शॉर्ट इतने नीचे क्यों करेंगे, क्योंकि 200 का मूविंग एवरेज डेली में जो है ठीक है, उससे भी नीचे हमें मार्केट मिल जाएगा और वहां से और एक रैली बढ़ जाएगा और ये लोग भी फिर ब्रेक कर सकता है, अंडरस्टूड। तो इस टाइप का ट्रेड करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी, आई होप यू अंडरस्टूड, एंड यस, इफ यू वांट टू टेक ट्रेड्स ऑन दिस एनालिसिस प्लीज कंसल्ट विद योर ओन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फर्स्ट एंड देन टेक ट्रेड्स, एंड यस वी हैव अ इंस्टाग्राम पेज ua.capital, यू कैन फॉलो दैट पेज, विल गेट मोर नॉलेज ऑन दैट, सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई एम आकाश डॉन, दिस इज यूए कैपिटल, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।